ग्लास वर्क में वॉल हैंगिंग और वॉल हैंगिंग के बस फर्निशिंग, ये अपने आप एक ग्लास वर्क आर्ट कहें जो यूरोप में हम बहुत कॉमन देखा करते थे, अब वो हिंदुस्तान में भी आप लेके आए। सर, इसका क्या महत्व है और इसकी क्या, हाउ डज इट अपील टू यू, हाउ डज इट अपील टू योर कस्टमर्स एंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? हाय, आई एम विश्वास कपूर फ्रॉम ग्लासपा मिरर्स। देखिए सर, हम लोग पीस जैसा आप देख रहे हैं लॉर्ड शिवा का, ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया। इसका देखिए पर्पस ये था कि अभी तक ग्लास के अंदर ना इस तरह से जो वॉल आर्ट का काम है या वॉल म्यूरल जिसको हम कहते हैं, इस तरह का काम अभी किसी ने कभी भी स्केल पे नहीं किया है। तो हम लोगों को एक यही लगा कि कहीं अगर हमें कुछ एक डिफरेंट चीज़ किसी को बना के देनी है तो हम लोग एक चीज़ बनाते हैं। सो दिस इज़ लाइक हमने लॉर्ड शिवा का ये बनाया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर हमने मिरर की टुकड़ी यूज़ करी है और बहुत ही एक ब्यूटीफुल उनका ध्यान मुद्रा का हमने ये स्वरूप बनाया है। सो दिस हैज़ बीन यू नो, इसके पीछे इस और इसके अंदर जो बेस है वो दैट इज़ HDHMR वुड और उसके ऊपर ये सारा का सारा टुकड़ी का काम करके हमने कटवर्क करके सारा का सारा लगाया है। पर्पस यही है कि जैसे अगर आप मंदिर में या आपने कहीं लिविंग रूम में उस पर कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको वो ले सकते हैं वहाँ के प्लेसमेंट के लिए। इसके बाद इसी के साथ ही हमने एक ये कंसोल सेट भी तैयार किया है। सो ये देखिए, सो इसमें हमने ये पैंथर क्रिएट किया है। सो दिस इज़ अ पैंथर जो कि केव के अंदर से आ रहा है, हमने ये डिपिक्ट किया है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली विजिबल होगा। ये सारा का सारा जो है ना 3D आर्ट वर्क है। सो 3D के अंदर ये सारा का सारा बनाया गया है और उसके बाद इसको एक प्रोजेक्ट को हमने बना के यहाँ पे लगाया। देखिए ये जो हमारी एक स्टार्टिंग है वो तो बेसिकली वॉल मिरर्स और बाथरूम मिरर्स से ही हमने स्टार्टिंग करी थी, लेकिन उसके बाद अब ग्रेजुअली लोगों की डिमांड एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ती जाती है। वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको नई चीज़ मिले देखने के लिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। कोई आदमी घर बना रहा है तो वो चाहता है कि भाई उसको कुछ डिफरेंट वैरायटी की चीज़ मिले, कुछ ऐसा मिले जो उसने कहीं नहीं देखा हो। और तो ये वो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फॉसिल यूज ना करके आपने ग्लास यूज किया। नो डाउट लिटिल बिट ऑफ बोर्ड इज यूज, बट आपने लकड़ी को, हम ऐसा टेबल कभी राजघराणों में हम देखा करते थे ऐसे। और बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि ये उसी तरह का हमने फील दिया है एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन मेड। एक ये मिरर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये रेजिन के अंदर हमने डेवलप किया है। ये बैकलिट है इसके साथ, इसके अंदर हमने थोड़ा कंटेम्प्रेरी में मॉडर्न फ्यूजन किया है। सो ये ट्रिपल लाइट के साथ में ये बैकलिट हो गया और इसके अंदर इसको, इसके अंदर हम इसको भी अगेन हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को या अपने जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हम इसमें से कुछ भी चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप उनको कोई अपना भी कोई ड्राइंग या अपनी कोई चीज़ देके बनवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उसको उसके अंदर बना सकते हैं। कॉर्पोरेट्स विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू गेट सम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और देयर लोगो और ब्रांड इन देयर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम। और जैसे ये हम पीछे देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये पीस इज लाइक, ये 7 horses है जो कि हमने वास्तु के हिसाब से डिजाइन है। 7 horses मीन्स कि आपका एनर्जी लेवल। सो अगर कहीं पे भी हमें एनर्जी लेवल बूस्ट करना है सो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल थिंग जो एनर्जी लेवल के हिसाब से डिजाइन है। तो इसको आप इस तरीके से हम लोगों ने ये बनाया है यहाँ पे। ये 7 horses ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ द भारत मंडपम जो अभी भारत सरकार ने प्रगति मैदान में बनाया, वहाँ भी 7 horses है जी। तो नेक्स्ट टाइम हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम मिरर के अंदर इसको प्लेस कर सकें। और इसके बाद सर इसके अंदर ये थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट के अंदर आ जाता है जो मिरर्स के अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ यूज़ करी है। ये भी एक ट्रेडिशनल, देखिए हम लोगों ने इसको हम फ्रेंच विंडो कहते हैं, फ्रेंच विंडो का थीम दिया है जिसके अंदर की मतलब आपका स्टेनलेस स्टील के हमने फ्रेम यूज़ किया है ब्रश गोल्ड कलर के साथ में और प्लस इसके अंदर गोल्डन और साथ में लुकिंग। ये अगेन एक हमने एक बार काउंटर दिया है। चीज़ें सर कस्टमाइजेबल है, आप कोई भी चीज़ को चाहें तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एक मैं आपको और ये वही जो पैंथर आपने देखा है, अब हमने यहाँ पे इसको पैंथर को हमने एक ब्लैक पैंथर और ब्लैक डिस्ट्रेस मिरर इसको हम कहते हैं उसके अंदर हमने यूज़ किया। एंटीक मिरर भी इसको कहा जाता है। ये एक रनर है, इसके अंदर भी हमने सिल्वर एंटीक मिरर यूज़ किया है और ये हमने एक हमारे दुबई के क्लाइंट के लिए हमने कैमल्स क्रिएट करे हैं। सो जैसे यू नो उधर दुबई के अंदर या उन कंट्रीज़ में वहाँ पे जो कैमल्स के लिए उनकी लाइकिंग है तो हमने उस हिसाब से एक अपने क्लाइंट के लिए डेवलप किया है। ये एक रॉयल और
बहुत ही रिच लुक देता है। पहले ये ग्लासेस हम चाइना से लाया करते थे या वहाँ से वो बिकते थे या वहाँ के प्रोडक्ट आते थे, अब आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड मे बी मेड फॉर वर्ल्ड। मोदी जी ने हमें इतना बूस्ट अप करा हुआ है कि भी मेक इन इंडिया करना है, तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंस चाइना पे ख़त्म करें और यहाँ पे ही ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें, ना ही सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए बट हम बाहर की मार्केट्स में भी। ऑलरेडी हम लोग इस वक्त कैनेडा और यूरोप में और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमने जाम्बिया एक्सपोर्ट किया है, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हमारे गए हैं, नेपाल में भी हम लोग सेल कर रहे हैं। और अब हमारा यही कोशिश है कि हम धीरे धीरे इसकी रीच बढ़ाएँ। और अब एक बार क्या होता है कि देखिए इसको कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करना मुश्किल है, एक बार अब ये डिज़ाइन हो गया तो अब उसके बाद इसकी प्रोडक्शन पे फोकस करना है कि अब इसको कैसे प्रोडक्शन में लाया जाए कि इसको और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए। रिगेलिया लुक के लिए डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी, जी जी जी। लेकिन ये बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है इनकी प्राइसिंग और इनकी डिलीवरी कितना टफ है या कितना फास्ट है या कितना, जैसे अब ये वाला प्रोडक्ट आपने देखा जो कैमल्स वाला था, या तो देखिए ये प्रोडक्ट्स को तो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, खास करके अगर हम एक इंसेप्शन स्टेज से बना रहे हैं, अगर हमें क्लाइंट को अपनी ड्राइंग देता है और कहता है बनाने, तो उस केस में हमें एटलीस्ट 45-60 डेज चाहिए। हाँ, बट जैसे जो चीज़ हम ड्राइंग बना चुके हैं, जो ऑलरेडी हम जिस पे काम कर चुके हैं, वो हम उनको अबाउट 15-20 डेज के अंदर बना के दे सकते हैं। अगर और कितने डिज़ाइन हैं जो वॉल हैंगिंग हैं या जो टेबल टॉप है, बहुत है सर। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नंबर्स और ये हमारा एड्रेस आ रहा है स्क्रीन पे, तो वो हमारे को एक बार कनेक्ट करिए। और हमारा करोलबाग में एक शोरूम है और एक MG रोड सुल्तानपुर में शोरूम है, जो कि जहाँ पे कि इससे बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको दिख सकती है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको विंटेज मिरर दिखाना चाहता हूँ, इसको क्लासिकल थीम कहते हैं हम लोग। सो ये आपने देखा होगा जैसे जयपुर या वो जोधपुर उदयपुर ऐसी जगहों के अंदर, वहाँ पे ये पीसेस बहुत सारे लगे होते हैं और एक ये अपने आप में क्लासिकल फील देते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना बड़ी रिच फील, हेरिटेज फील जिसे कहते हैं, रिगेलिया लुक जो है। सो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल इंडियन प्रोडक्ट और आज की डेट में मैं समझता हूँ कि क्लासिकल थीम में इससे हाई सेलिंग प्रोडक्ट कोई नहीं है। सर, हम लोग जानते थे और मानते थे कि ग्लास वर्क इटली और फ्रांस और UK जैसे या जर्मनी में हुआ करता था, अब हम उनको पीछे छोड़ेंगे ना, अब देखते चलते और अब वो हमारे को कहेंगे कि इंडिया, ये देखिए ये हमने एक मॉडर्न और विनेशियन को लुक को हमने कंबाइन करा है। सो ये हमने सारा एक्स्ट्रा क्लियर मिरर इसमें यूज़ किया है और इधर हमने इसके अंदर थोड़ी सी विंटेज फील दी है ताकि एक मॉडर्न और विंटेज थीम को कंबाइन, ये हमने पूरा कंसोल सेट बनाया, वेरी ब्यूटिफुली डन, एंड आप देख सकते हैं एक आइए आपको मैं कुछ और मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। ये देखिए सर, एक ये हमारा पीस बड़ा हाईली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये स्टेनलेस स्टील के अंदर बना हुआ है, 304 ग्रेड है और इसके अंदर हम लोगों ने मैट गोल्ड की फिनिश करी हुई है। सो इसके साथ अगर आप इधर आएंगे तो ये एक 3D लायन है, अगेन ये भी जैसे आपने लॉर्ड शिवा वाला पीस देखा, हमने उसी तरीके से इसकी रेंडरिंग बना के इसको 3D इफेक्ट दिया है, ऑलमोस्ट 800 टुकड़ी इसके अंदर यूज़ करी गई है अलग अलग। ये एक अगेन फिर मॉडर्न आर्ट के अंदर आ गए, इसमें हमने मेटल फ्रेम यूज़ किया है, साथ में फ्लूटेड ग्लास लिया है और प्लस हमने इस पर मिरर लुकिंग का कॉन्सेप्ट दिया है इसके अंदर। क्या आप अब डिज़ाइनर ग्लास और हैंगिंग ग्लास में ही अपने सारे स्पेशलाइजेशन को सारी एनर्जी लगाएंगे या फिर अब ट्रेडिशनल ग्लासेस भी? ट्रेडिशनल भी करते हैं सर, ट्रेडिशनल भी रहेंगे। वैसे तो क्या है कि हम लोग किसी भी तरह के मिरर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, मिरर फर्नीचर हमारा यही मेन थीम है और मिरर्स क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन है, USP है, सो नेचुरली वो हमारा एक बहुत बड़ा फोकस एरिया हमेशा रहेगा ही रहेगा। एक मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये रगेड फील है, ये भी मैं किसी एक होटल में मैंने विजिट किया था तो वहाँ पर मैंने से वो ट्रंक संदूकची देखी थी, तो उससे मतलब थोड़ा इंस्पायर होके हमने ये पीस बनाया और इसमें मॉडर्न देने के लिए हमने इसमें वॉच को भी यूज़ किया। सो आप ऊपर देखेंगे वॉच भी सारी मिरर की है। सो ये सारा का सारा आप देखिए पूरा एक रगेड हमने विंटेज इफेक्ट दिया और इसी के अंदर हमने वॉच बनाई है। सो ये सारी ये लेदर का है या फिर उसके बाद इसके अंदर ये हमने स्टैंडिंग मिरर्स लिए हैं, जैसे आजकल जो लेडीज़ हैं वो चाहती हैं कि लॉन्ग मिरर चाहिए, साड़ी ड्रेप करनी है, तो उसके लिए ये हमने अगेन मॉडर्न के अंदर लिया हुआ है, रोप वर्क डिज़ाइन कहते हैं ये, हमने रेजिन वर्क रेजिन आर्ट वर्क हम लोग करते हैं, रेजिन आर्ट में लिया है और ये मेटल फ्रेम के अंदर है। सो दीज वंस आर ये जो इस तरह का पीसेज हैं ये थोड़े से इकोनॉमिकल प्राइसिंग के अंदर आ जाते हैं कि भी किसी को बहुत एक्सपेंसिव नहीं चाहिए तो ये इस तरह का पीस ले सकते हैं, इस तरह के पीस ले सकते हैं। फुल लेंथ मिरर है, मेटल फ्रेम है
और बहुत अच्छा लगता है कि सब पे आते हैं। क्या आप अपने पेट्रेंस को अपने वर्कशॉप या जहां आपके इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं वहां भी ले जाते हैं? बिकॉज ये बहुत एक बारीक और बहुत नायाब तरीके का आर्ट वर्क है, क्योंकि इसमें आप वुड वर्क भी कर रहे हैं, ग्लास वर्क भी कर रहे हैं, प्लस डिजाइन भी कर रहे हैं, प्लस एंड कटिंग एज डिजाइन। जी जी बिल्कुल। हमारे ऐसा कई बार होता है कि क्लाइंट्स कहते हैं कि भाई मैं आपका देखना चाहता हूँ कि कैसे बन रहा है, तो हम उनको अपनी फैक्ट्री विजिट्स कराते हैं और हम लोग उनको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कितनी बारीकी से काम हो रहा है। तो दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हाँ भाई ये भी किस तरह की वर्कमैनशिप भी हो रही है यहाँ पे, सारा काम इतना बारीकी से किया जा रहा है। और आई एम श्योर आप नेक्स्ट विजिट हम आपको वहाँ पे अपनी फैक्ट्री में भी ज़रूर कराएंगे, सो आप एक्चुअली फील ले सकते हैं कि कैसे हम लोग कटिंग ग्राइंडिंग और ये जो खास करके टुकड़ी वाला जो काम है ये तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, तब आप समझेंगे कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए कुछ आपको कह रहा हूँ तो क्या रीज़न है उसके पीछे। आप जब देखेंगे कि उस पर कितनी लेबर और कितना वर्कमैनशिप जाती है, देन यू विल प्रॉबेबली अंडरस्टैंड कि हम लोग किस लेवल से कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये मिक्स ऑफ वुड वर्क एंड ग्लास वर्क जी और टेबल टॉप और वॉल हैंगिंग जो ये आर्ट वर्क है ये अभी नया है। हाँ। और शायद हिंदुस्तान में इसकी और ज्यादा अहमियत होगी क्योंकि अब चाइना से प्रोडक्ट महंगे भी आने लगे हैं और हिंदुस्तान में ये, और आपने जैसा कहा कि हम यदि कोई एक सेगमेंट कोई किसी वजह से गड़बड़ हो गया तो आप उसको रिप्लेस भी कर रहे हैं मॉडल नंबर के साथ। करेक्ट करेक्ट। देखिए चाइना हमारे को इन प्रोडक्ट्स में तो कम्पीट कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टुकड़ी का और मैनुअल वर्क भी इन्वॉल्व है, वो हमारे को ट्रांसपोर्टेशन भी है, वो हमारे को सिर्फ हाईली मैकेनाइज प्रोडक्ट्स के अंदर ही कम्पीट कर पाता है, अदरवाइज बाकी प्रोडक्ट्स में तो नहीं कर सकता है और इन प्रोडक्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। सो ये प्रोडक्ट्स तो और कस्टमाइज डिज़ाइनिंग है, कस्टमाइज साइजिंग है, तो खैर वहाँ चाइना से तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ अब ये ज़रूर है कि हमें इसको एक्सपेंड करना है, इसको और एक्सपोजर देना है, इसके अंदर और आर्ट वर्क हमने डेवलप करना है और हमें भी अच्छा लग रहा है ये बनाने के बाद, हमें खुद एक अंदर से एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, एक प्राउड की फीलिंग हो रही है कि हमने करा है। सो नेचुरली आई थिंक हम लोग यहाँ से और मोटिवेट होंगे और प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर तक हम जब नेक्स्ट ईयर किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे हम और बहुत लंबी रेंज लेके आएंगे। नो डाउट मैं देख रहा हूँ कि इस एग्जीबिशन में बहुत अच्छा फुटफॉल है जी, ये बहुत बड़ा, तो आपने वो क्या कहते हैं काउंटर नहीं रखा है, लेकिन जितना इट इज ऑल क्राउडेड सबसे बड़ा जो भी माइनस पॉइंट ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि मिरर के अंदर भी इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। मैक्सिमम नॉलेज उनके पास है जो कोई इटली विटली या बाहर चाइना होके आया तो उन्होंने तो वहाँ कॉन्सेप्ट्स देखे हुए हैं, अदरवाइज बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है कि अभी इस तक तरह तो हम हिंदुस्तान में वासेस और प्लेट्स पे ही हम फोकस कर रहे थे। अब तो शायद आपने जो आपका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, जो आर्ट वर्क जब कॉन्सेप्ट लेके आप अपने आर्टिजन को देते हैं या अपने इंजीनियर को। मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, मुझे कुछ ना कुछ नए चीज़ क्रिएट करना, कुछ ना कुछ नया बनाना, मुझे पर्सनली मेरा एक माइंडसेट जाता है उसकी तरफ में कि हम कुछ ऐसा बनाएं या कुछ ऐसी चीज़ डेवलप कर सकें। सो डेफिनेटली वो एक फैक्टर तो है ही है इसके अंदर जो बार बार मुझे बूस्ट करता है कि हम लोग कोई ना कोई एक्सपेंशन करें, कुछ नया बनाएं। और नेचुरली जब क्लाइंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, अभी यहाँ पे कुछ टर्की से भी कुछ कंपनीज आई हुई हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो भी हमारे यहाँ पे आते हैं, दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड जो हमने जो 7 हॉर्सेस लगाए हैं, जो ये लायन का जो 3D का पीस लगाया है, इज दैट वाओ दिस इज रियली गुड। So, do you think that copyright के लिए अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये वाकई जरूर है, क्योंकि टर्की में तो जो ग्लासेस हैं जो 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 बल्ब के होल्डर्स होते हैं दे आर वेरी डेकोरेटिव एंड वेरी इफेक्टिव, दे आर डेकोरेटिव बट नेवर्थलेस हम लोग भी इसको अभी तो हमारा पहला तो स्टेट है कि हम इसको पहले लोगों तक पहुँचाएँ सो दैट वी गेट इनफ क्लाइंटेल या जो ऐसे लोग मिले जिनको भी ये पसंद आए, एंड देन ऑफ दिस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डेफिनेटली विल वांट कि हम इसको कॉपीराइट पेटेंट भी करें तो सारी चीज़ें। और ये यदि कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड भी हो सकता है और डेवलप भी करेगा जी, क्योंकि प्राइस पॉइंट आपने अभी एक मॉडरेट रखा है जी, अब बिकॉज यू विल ऑल्सो इम्प्रूव ऑन द क्वालिटी एंड फर्दर इम्प्रूव ऑन द डिज़ाइन, सो कॉस्ट प्राइस ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हमें इसमें मुझे लगता है कि अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें और करनी है, जैसे कि एक इनके लिए एक डेडिकेटेड पेंट बूथ हमें बहुत एक्सक्लूसिव चाहिए
सो वी विल डेफिनेटली हम भी लुकिंग फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स इनटू इट. तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में हैं और जो अगले नेक्स्ट 3 to 4 to 6 मंथ्स के अंदर हमने प्लान करी है, मतलब हमने सोची हुई है कि हमें वो करनी है. सो वंस ऑल दोज थिंग्स आर डन, सो आई एम श्योर कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम जो और प्रोडक्ट्स लेके आएंगे वो इनसे भी ज़्यादा सुंदर और आर्टिस्टिक होंगे. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट डेफिनेटली. शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लेकिन यहाँ तो शीशा हो या दिल हो आखिर और ज्यादा है, इंस्पायर कर रहा है. इंस्पायर भी कर रहा है, टूट जाएगा तो हम दोबारा जोड़ देंगे. तो ये आपने एक नया नायाब तरीका मिला है. इसकी टेंशन नहीं है टूटने की, क्योंकि हमारे पास तो हर वक्त कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है. और शीशे वालों का ना क्या है कि उनका दिल ना बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ब्रेकेज देख लेते हैं कि उनको ना डर नहीं लगता किसी चीज से. ये शीशे वालों की खासियत है. व्हाट वुड यू टेल एट द फाइनली, व्हाट वुड यू टेल टू योर पेट्रंस, शुड दे कम टू यू फॉर द आर्ट वर्क, शुड दे कम टू यू फॉर द होम फर्निशिंग, और शुड दे कम टू यू फॉर समथिंग न्यू? आई वुड से मोर द मेरियर. अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम उनको एक बहुत अच्छा कस्टमाइज सॉल्यूशन देंगे. विल गिव देम. देखिए पॉइंट है कि आज लोग घर बनाते हैं बड़ी डेडिकेशन से, बड़े उससे बनाते हैं, सो दे वांट समथिंग एक्सक्लूसिव. हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे घर में यार कुछ डिफरेंट लगाओ. तो आई मीन वी कैन डेफिनेटली बी वन सच प्लेस जहाँ हम उनको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बना के देंगे जो उनको कहीं नहीं मिलेगा. सर बॉम्बे एंड बैंगलोर आर डाइंग टू सी योर आर्ट वर्क. This video will not only inspire them, but they will want you to go there as soon as possible. I really want कि अगर वो लोग भी दिल्ली या हमें विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, so they can come to our showrooms. We have this 2 display, very beautiful display centers. One is in Karol Bagh and one is in Sultanpur. So वो वहाँ पे बहुत सारे ये सब pieces वहाँ पे display पे होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं. अभी यहाँ पे तो देखिए क्योंकि space constraint है तो हम लोग limited products display कर सकें. और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स भी है, हमारे पास इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स भी है. सो सिंस वी आर मैन्युफैक्चरर तो सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स से काम नहीं चलता है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं अपने लिविंग को मीट करने के लिए. सो वी डू मेक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स, वी डू मेक अ मीडियम रेंज एंड वी डू मेक अ प्रीमियम रेंज. सो हमारे पास अगर वो शोरूम पे आएंगे तो अगर उनका कम बजट भी, हमारे पास कम बजट के भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं उनके. लुकिंग इनटू द मिरर, नोबडी कैन से मिरर इज इंपॉर्टेंट और द मिरर इमेज इज. यू हैव वन द हार्ट ऑफ millions of people who are interested in glass work, who are interested in good furnishing in the house, who are interested in good artwork on the hanging wall. As a mural, what you say, as a new dimension that you have given to the whole painting and whole way of wall hangings. Thank you so much, and definitely I'm sure people will appreciate and will be of any help. If we can be of any help to them, they can always contact us on the numbers given here. And see, our numbers are flashing on the screen. And we are Glassma Mirrors, based in Karol Bagh, and the other showroom is in Sultanpur MG Road. So they can connect to us anytime. We shall be more than happy to serve. Thank you.